गुरुवार को जिला स्तरीय एवीएम प्रशिक्षण केंद्र आम नागरिक जागरूक कार्यक्रम का जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि जिससे वोटर को पता चले कि वोटिंग करते समय ईवीएम किस तरह कार्य करती है और उसके द्वारा किया गया वोट कहां जा रहा है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कि जिलाधिकारी ने इस संबंध में क्या बताया, आप भी सुनिए। ई वी एम और वी पैट को लेकर के तमाम लोगों को इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पूरी जानकारी नहीं रहती है, तो आम जनमानस को इससे अवेयर किया जाए। कर्मियों में भी तमाम लोग ऐसे होते हैं जो सेवा में अभी हाल के वर्षों में आए होंगे, जिन्होंने सीधे ई वी एम का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ई वी एम किस तरह से काम करती है, इसकी कार्यप्रणाली को लोग समझें, इसको दृष्टिगत रखते हुए ये सेंटर यहाँ पर खोला गया है कलेक्ट्रेट अवसर। इसी तरह से पाँचों तहसीलों में एक एक केंद्र खोले गए हैं। उसके पीछे मंशा यही है कि आम जनमानस जिन्होंने ई वी एम मशीन का कभी इस्तेमाल नहीं किया है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसमें हमारा वोट कैसे अंकित होता है, इसकी जानकारी दी जाती है। और ये सेंटर कार्यालय के समय में अब से लेकर के अगले एक महीने तक चलता रहेगा। तो इसमें क्या माना जाए, जो देखने वाले लोग आएंगे, वोटर्स होंगे, कोई भी आके जानकारी दे सकता है? बिल्कुल, कोई भी आम जनमानस, कोई भी आम पब्लिक का इंसान आकर के यहाँ वोट डाल करके ई वी एम की पूरी कार्यप्रणाली को समझ सकता है और ये जान सकता है कि किस तरह से हमारे वोट इसमें डाले जाते हैं।